हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अबीना नीटिंग। आज देखिएगा, आप लोग के लिए एक कलर में बहुत ही प्यारा सा पैटर्न का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसे आप लेडीज़ कार्डिगन में, बच्चों के स्वेटर में, स्टॉल में, शॉल में, किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है और देखिएगा, बिल्कुल क्रोशिया की तरह दिखाई देता है ये। इसको आप समर में भी बना सकते हैं, टी शर्ट में, यानी कि आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा सुंदर सा पैटर्न है। इसको देखिएगा, हमने यहाँ पर एक कलर में बनाया है और इसके लिए हमने यहाँ पर 6 के मल्टीपल से फंदे लेते हुए 3 फंदे इसमें एक्स्ट्रा रखे, यानी कि आप किसी भी प्रोजेक्ट में इस डिज़ाइन को बनाएं, 6 के मल्टीपल से फंदे डालें और इसमें 3 फंदे एक्स्ट्रा रखें तो आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल फिट आ जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा, डिज़ाइन हमारा राइट साइड से शुरू का और इसके लिए हमने यहाँ पर 10 नंबर की नीडल ली हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे और इस डिज़ाइन को बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, टोटल मैंने 15 फंदे लिए हैं, यानी कि 6 के मल्टीपल से 12 फंदे लिए और 3 फंदे इसमें एक्स्ट्रा। अब यहाँ से ध्यान देखिएगा, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे और यहाँ पर देखिएगा, इस तरह से सामने से 2 फंदों का एक कर देंगे। ये देखिएगा ऐसे। अब हमें यहाँ पर देखिएगा, 3 फंदों में से 3 फंदे बनाने हैं। तो देखिएगा, एक बार इस तरह से 3 फंदों को साथ लेते हुए बनाएंगे। ये देखिएगा, और यार्न ओवर करेंगे और फिर से इस फंदे को बुन देंगे, 3 फंदों को। तो ये हमारे देखिएगा, 3 फंदों में से 3 फंदे बन गए हैं इस तरह से। ये देखिए, अब ध्यान से देखना है आपको। देखिएगा, यहाँ से इस फंदे को सामने लाएंगे, इस वाले फंदे को ऐसे पलटते हुए रख देंगे सामने और 3 फंदों का एक करेंगे। ये देखिएगा इस तरह से। अब फिर से हम यहाँ 3 फंदों में से 3 फंदे बनाने हैं। तो देखिएगा, सामने से इस तरह से तीनों फंदों को साथ देते हुए 3 फंद ऐसे बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, फिर से 3 फंदों को बुन देंगे। तो ये हमारे देखिएगा, इस तरह से 3 फंदों में से 3 फंदे बन गए। अब देखिए, जैसे स्टार्टिंग में हमने 2 फंदों का एक किया था, यहाँ भी 2 फंदों का एक करना है। इस फंदे को अब हमें इस तरह से सामने लाना है और देखिएगा, यहाँ से 2 फंदों का एक कर देना है। ये फंदा हम सिंपल बना लेंगे ऐसे ही। तो देखिएगा, इस तरह से हमें पैटर्न बनाना है। एक फंदा हमने एज स्टिच का बनाया, यहाँ से 2 फंदों का एक किया, सेंटर में हमारे यही 6 फंदों का डिज़ाइन चलेगा। 3 फंदों को हम एक बार 3 फंदों में से 3 फंदे बनाएंगे, एक बार 3 फंदों में से एक करेंगे, सिर्फ स्टार्टिंग में, और लास्ट में हमारा 2 फंदों का एक होगा। अब देखिएगा, उल्टी सिलाई को ध्यान से देखिएगा। अब हम यहाँ पर देखिएगा, एक फंदा एज स्टिच का बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और इस एक फंदे को बना लेंगे। ये देखिएगा, फिर से हमें देखिएगा, यार्न ओवर करेंगे और ये 3 फंदे बना लेंगे। यार्न ओवर करेंगे, एक फंदा बनाएंगे, ये देखिएगा ऐसे, यार्न ओवर करेंगे और ये 3 फंदे बना लेंगे। यार्न ओवर करेंगे, एक फंदा बनाएंगे, ये देखिएगा, यार्न ओवर करेंगे, एक फंदा बनाएंगे। तो देखिए, टोटल हमारे यहाँ पर देखिएगा, 3, 6, 9, 12। अब देखिएगा, यहाँ पर एक फंदा हम एज स्टिच का बनाएंगे, एक फंदा और बनाएंगे। अब यहाँ से यार्न ओवर करते हुए इन 3 फंदों को बना लेंगे। फिर से देखिएगा, यार्न ओवर करेंगे, एक फंदा बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और ये 3 फंदे बना लेंगे। यार्न ओवर करेंगे और लास्ट में ये 2 फंदे बना लेंगे। तो देखिएगा, अब हमारे टोटल यहाँ 15 फंदे हो गए हैं। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 फंदे हो गए हैं। अब देखिएगा, अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल पूरी सिलाई को हमें सिंपल बना लेना है। पूरी सिलाई हम ऐसे ही सीधी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिएगा, इस तरह से पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे। अब उल्टी सिलाई, पूरी उल्टी बनाएंगे। यहाँ उल्टी सिलाई, ये 4 सिलाई का हमारा पैटर्न यहाँ पर उल्टी सिलाई में कंप्लीट हो जाएगा और इन्हीं 4 सिलाइयों को हमें फिर से रिपीट करना है।
एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ, देखिएगा, यहाँ से देखिएगा आप ध्यान से। एक फंदा सीधा बनाएंगे, दो फंदों का ऐसे सामने से एक करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट तीन फंदों में से तीन फंदे बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और देखिएगा इस तरह से इस फंदे को बुनेंगे। सॉरी, तो ये तीन फंदों में से हमारे तीन फंदे बन गए और ये तीन फंदे हमें इस तरह से एक करने हैं। ये फंदा सामने लाते हुए तीन फंदों का एक करेंगे, ये देखिएगा। अब फिर से तीन फंदों में से तीन फंदे बनाएंगे, तो एक बार फंदे को बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे, फिर से फंदे को बुनेंगे, तो ये तीन फंदों में से हमारे तीन फंदे बन गए हैं, देखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा इस फंदों को ऐसे पलट पलट करते हुए यानी सामने लाते हुए दो फंदों का एक कर देंगे और लास्ट के फंदे को बना लेंगे। अब उल्टी सिलाई देखिएगा, दो फंदे उल्टे बनाएंगे। अब यहाँ से यार्न ओवर करेंगे और तीन फंदे बुन लेंगे, यार्न ओवर करेंगे, एक फंदा बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और तीन फंदे बुनेंगे। यार्न ओवर करेंगे और लास्ट के दो फंदों को बना लेंगे। तो यहाँ पर फिर से हमें दो सिलाइयाँ सिंपल बना लेनी हैं, सीधी उल्टी। तो इसी तरह से हमें यही चार सिलाइयों को बार बार रिपीट करना है, देखिएगा इस तरह से। और जब हम ये चार सिलाइयाँ बार बार रिपीट करेंगे तो देखिएगा पैटर्न हमारा कुछ इस तरह से बनकर आएगा। बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान सा बुनाई का डिज़ाइन है। इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दिया करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बराबर में पहला आइकन का बटन है उसे प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बुनाई डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।